हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको सिखा रही हूँ पाइनएप्पल स्मूदी। ये जिसमें इसमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बताती हूँ। 2 कप इसमें दही है, योगर्ट है, 2 ग्लास मिल्क, गार्निश के लिए कोकोनट पाउडर है, पाइनएप्पल के 3 स्लाइसेस हैं गार्निश के लिए रखा है मैंने। ये 3 स्लाइसेस जो हैं ये इसमें जाएंगे और ये पाइनएप्पल एसेंस है। तो मैं आगे आपको बताती हूँ कि ये हम कैसे ग्राइंड करते हैं। ये सारी चीज़ें शुगर जो है हम अपने ग्राइंडर में डाल रहे हैं और ये पाइनएप्पल के स्लाइसेस हैं। इसमें बर्फ भी आप डाल दें, लेकिन मेरी तो ये वैसे फ्रीज हुए हुए थे तो इसमें ये बर्फ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप इसमें अगर बर्फ डालेंगे तो ये और अच्छा बनेगा। और ये आपका 2 ग्लास मिल्क है। पहले 1 ग्लास डाल के करेंगे ताकि ये ग्राइंड अच्छी तरह हो जाए, उसके बाद में इसमें दही और ये 1 ग्लास दही और दूध और डालेंगे। मैं ये करती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी हमने ग्राइंड कर लिए। मैंने इसमें 1 जो ड्रिंक है डाला था, इसमें मिल्क 1 ग्लास मिल्क डाला था, पाइनएप्पल के 3 स्लाइसेस डाले थे। ये डाल के हमने इसको ग्राइंड कर लिया, ठीक है। अब मैं एसेंस डाल रही हूँ, 1 टेबल स्पून डाल दें एसेंस। अब इस सारे को हमने इसमें शिफ्ट कर लेते हैं बड़े जग में। और ये योगर्ट है, योगर्ट में उसमें डालती तो बहुत ज़्यादा पतला हो जाता। अब इसमें डालने से आपको बिल्कुल वो लस्सी जैसी फॉर्म आएगी उसकी, ठीक है। और ये 1 ग्लास पहले हमने डाल के ग्राइंड कर लिया था, 1 ग्लास दूध और 4 ग्लास है ना, ये तो 4 ग्लास टेबल शुगर है, 3 पाइनएप्पल के स्लाइसेस हैं। फिर मैंने इसके बाद क्या किया कि ये पानी, अच्छा पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसको फिर हमने इस तरीके से डीप कर लेना है ताकि दही जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ऑलरेडी शुगर तो इसके अंदर मिक्स हुई हुई है। कंप्लीट हो गया, मैं आपको ग्लास में निकाल के बताती हूँ। ये देखें, ये पाइनएप्पल है, ड्राई पाइनएप्पल है। और ये मेरे पास पानी है, पानी के अंदर मैंने ग्लास डाला। डालने के बाद ये मैं कोकोनट पे इसमें कर दिया मैंने, सही गार्निश करने के लिए। और ये पाइनएप्पल जो है मैं इसके इधर लगा देती हूँ। ये आपका ड्रिंक रेडी, इसको एंजॉय करें और मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।